बात करेंगे रायसेन जिले की, जहां पर जिले की जैतहारी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत युवक की हत्या कर शव ऊंचा खेड़ा के जंगल में पेड़ से लटका दिया था, जिस पर मृतक के परिजनों ने सिलवानी थाने का घेराव कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की। इस कत्ल का सिलवानी एसडीओपी ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मृतक अंशुल जैन आरोपी का परिचित दोस्त है और मृतक अंशुल जैन ने आरोपी साबिन मंसूरी का अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया था। उसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिस पर आरोपी साबिर मंसूरी ने अपने हेल्पर के साथ मिलकर अंशुल की हत्या कर दी और इसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया। एक ग्राम है मरेठी, जो कि चौकी यथारी थाना सिलवानी के अंतर्गत है। उसमें एक अंशुल जैन नाम का लड़का था, जो कि यहाँ कॉलेज में पढ़ता था और प्रतिदिन बस से आता जाता था। सुबह आता था और शाम को बस से चला जाता था। ये अपने भाई की मोबाइल की एक दुकान है वहीं गांव में मरेठी में, उस पर भी काम करता था, मोबाइल रिपेयर वगैरह का काम भी करता था। 10 तारीख की रात में करीब 7 बजे ये अपने घर से मोबाइल पर बात करते हुए निकला था और फिर वापस घर नहीं आया। तो रात में उसके परिवार वालों ने आसपास ढूंढा और सुबह भी ढूंढने का प्रयास किया। जब वो नहीं मिला तो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे के करीब उन्होंने चौकी जेथारी में उसकी रिपोर्ट लिखवाई घूमने की। चौकी जेथारी द्वारा पुलिस द्वारा जो उसमें गुम इंसान कायम किया गया। शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जो है